किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेक्युलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो उनका छोड़िए, उनका तो। आरजेडी ने किया नए संसद भवन का अपमान, भड़क उठे ओवैसी, पीएम मोदी के लिए आरजेडी से भिड़ गए ओवैसी। विपक्ष का काम होता है सरकार का विरोध करना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात में विरोध किया जाए और सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए मुद्दा उठाया जाए, और यहाँ का विपक्ष ठीक ऐसा ही करता है। कभी कभी तो मोदी विरोध में कुछ ऐसी हरकत कर दी जाती है जो शर्मनाक होती है। ताजा उदाहरण है लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसने सिर्फ विरोध करने के चक्कर में अपनी ही बेइज्जती करवा ली। आरजेडी की इस हरकत से तो एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी भड़क उठे हैं और आरजेडी की क्लास लगा दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक तो विपक्ष पहले से ही नए संसद भवन से चिढ़ा हुआ था कि अब जब नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, और उधर चिढ़ से लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। अब आरजेडी की इस ओछी हरकत पर ओवैसी भड़क उठे हैं और पीएम मोदी पर तंज कसने वाली आरजेडी को तगड़ा जवाब दिया है। अब देखिए, आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें एक तरफ ताबूत की तस्वीर है और दूसरी तरफ नए संसद भवन की। अब इस पर ओवैसी से राजद की ट्वीट को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा, राजद का कोई स्टैंड नहीं है। पुराने संसद भवन को दिल्ली फायर सर्विस से क्लियरेंस तक नहीं था, वो संसद को ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो कुछ और भी कह सकते थे, उन्हें ये एंगल लाने की क्या जरूरत थी? उनका पूरा बयान सुनिए। हाँ, तुलना की आरजेडी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के। अब उनका क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे, तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं, तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेक्युलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। वीर सावरकर जी की जयंती भी है, प्रधानमंत्री ने संसद भवन में उनकी तस्वीर को ये भी किया, तो उसको जोड़कर इससे देखा जा रहा है। वो करेंगे ना, जहाँ तक हमारा मामला है, हम भारत में सबसे बड़ा अगर कोई नेता था और रहेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर, और इस देश में सबसे बड़ा सबसे पहला आतंकवादी कोई है तो नाथूराम गोडसे, इस देश में सबसे पहला टेररिस्ट ऑफेंस हुआ आज़ादी के बाद तो गांधी की हत्या हुई है, और गांधी की हत्या में किन किन लोगों का नाम आया था, उनको सजा भी हुई, और उसके बाद जो जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में जो कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम भी आया है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको देश को पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से ओवैसी ने आरजेडी को लताड़ लगाई है। इतना ही नहीं, साथ ही ओवैसी ने नए संसद भवन का समर्थन भी किया है। ओवैसी ने जिस तरह से ये कहा कि पुराने संसद भवन को दिल्ली फायर सर्विस से क्लियरेंस तक नहीं था, ये इस ओर इशारा करता है कि ओवैसी नए संसद भवन का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ओवैसी का ये भी कहना है कि बेहतर होता अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन करते। फिलहाल आपको बता दें, संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, आप, डीएमके समेत 21 दलों ने विरोध किया है। इन दलों का कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन का उद्घाटन कराया जाना चाहिए। फिलहाल आपको सुनाते हैं नए संसद भवन से पहली बार पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था,
तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदिनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है।